अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर ग्राम पंचायत सदस्य में वार्ड मेंबर बनी नेपाली मूल की एक व्यक्ति को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर पौड़ी ने पद से बर्खास्त कर दिया है। ब्लॉक कलजी खाल के ग्राम पंचायत बेड़गांव में प्रधान प्रमोद रावत ने वर्ष 2023 में इसको लेकर तत्कालीन डीएम को शिकायती पत्र दिया था। उन्होंने ग्राम पंचायत सदस्य राकेश कुमार के नेपाली मूल के होने और फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं जिलाधिकारी के निर्देशों पर नायब तहसीलदार ने मामले की जांच पड़ताल की तो शिकायत सही पाई गई है। पौड़ी से मुकेश मछेती की रिपोर्ट। ये जो हमारे सभासद थे इनको जो पद मिला था वो एससी कैटेगरी के थ्रू मिला था, तो जब ये शिकायत आई कि ये जो सर्टिफिकेट है वो गलत जारी हुआ है तो उसकी प्रॉपर जांच की गई, और क्योंकि अभी सर्टिफिकेट निरस्त हो गया तो इस पद पे ये नहीं रह सकते, तो इनको वहाँ से बर्खास्त किया गया, उस पद से उनको हटा दिया गया है। और अब जो भी उनको एससी मतलब बेनिफिट्स मिल रहे होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रमोद रावत, प्रधान ग्राम पंचायत बेड़गांव हूँ। पूर्व मेरे खिलाफ एक नेपाली द्वारा अनुसूचित जाति का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें मुझे 7 दिन तक भी जेल रहना पड़ा, जो कि एक गंभीर विषय है। और मैं तो समाज से भी ये आग्रह करूंगा कि जो हमारे उत्तराखंड के मूल एससी के लोग, एससी समाज के लोग हैं, उनके हकों को मारा जा रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा उनको बिना इवर्सन के नेपाली लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाना या उनको स्थायी निवास मूल निवास के प्रमाण पत्र देना, ये गंभीर विषय है। इसी तरह से तमाम सड़कों पे नेपाली मूल के लोगों के ड्राइवरों के वो बन रहे लाइसेंस बन रहे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है जो उत्तराखंड के लिए एक गंभीर मामला होगा, क्योंकि भविष्य में इस तरह के लोग अपने अधिकारों का और हम लोगों का जो हमारे समाज के लोगों का अधिकार था उनको हनन कर रहे हैं।